जिले में यूनियन को लेकर दो गुट आमने सामने हो गए हैं। इस मामले को लेकर बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के जिला सचिव राजू सिंह ने यूनियन के कथित नेता वीरेंद्र चौबे को नोटिस दिया है। राजू सिंह ने कहा कि बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन की बागडोर अब पूर्व सांसद सह महामंत्री चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे के हाथों में है। हाईकोर्ट में भी संगठन के असली हकदार ददई दुबे के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। पूर्व से इस संगठन पर दावा कर रहे वीरेंद्र चौबे बोकारो स्टील वर्कर्स के नाम पर जगह जगह सभा करके मजदूरों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, सच्चाई यही है कि उनको आज तक जो इन्होंने यूनियन चलाया वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के तहत और गलत नियत के अनुसार ठेकेदारी लेना, शोषण करना, जो भी वर्कर है उनका शोषण होता है। विकास के काम से उनको कोई मतलब नहीं है, मजदूर के काम से कोई मतलब नहीं है, प्लांट चलाने से वीरेंद्र चौबे सर को कोई मतलब लेना देना है। बोकारो स्टील वर्कर यूनियन को जब हाईकोर्ट में उन्होंने केस किया था तब उन्होंने साफ साफ उस केस को वापस ले लिया। अब आप देखेंगे कि वो षड्यंत्र के तहत बोकारो स्टील वर्कर यूनियन को बदनाम करने के तहत उन्होंने बीपीसीएल में जा करके नारा लगाया, काम किया, धरना प्रदर्शन किया। हम इसके सख्त खिलाफ हैं और उनपे उनको हमने नोटिस किया है, 10 दिन के अंदर अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो हम न्याय संगत काम करेंगे और इनके ऊपर हम जो न्याय संगत काम होगा FIR भी हम करने का काम करेंगे। अगर ये दोबारा अगर हमको पता चला कि बोकारो स्टील वर्कर यूनियन के तहत ये किसी भी तरह का लेटर पैड या अगर ये नाम ले करके कोई यूनियन का काम करते हैं तो इन पे हम नियम संगत जो होता है कार्रवाई हम नहीं है। राइट नहीं, इसीलिए तो हम नोटिस किए हैं, 10 दिन के अंदर जवाब दे। और उन्होंने जवाब देने से भाग गए, जवाब नहीं देने के रिफ्यूज कर दिए। क्यों रिफ्यूज किए? आप जवाब दीजिए मेरे को। अगर आप जवाब नहीं दे रहे इसका मतलब आप गलत हैं, दोषी हैं। आप BPCL जा करके ना तो वहां पर मान्यता है, ना तो वहां पर आपका कुछ है। हाँ, ये खाली सिर्फ और सिर्फ ठेका लेने के लिए, ठेकेदार को मदद करने के लिए, मजदूर के नाम पे षड्यंत्र के तहत ये मैनेजमेंट को आप देखेंगे। हमारे पास एक अभी है, वो हम आपको बहुत जल्द देंगे। ये मैनेजमेंट से प्लेन का टिकट, होटल का रहने का खर्च, सारा सुविधा इनको दे रहा, तो ये मैनेजमेंट के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? तो आखिर क्या इस यूनियन जो बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन इस यूनियन का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थ, एकदम निजी स्वार्थ में? हम देखे कि मीडिया में भी देखे, वो कहाँ ये जवाब दे पाए कि मेरा यूनियन है, हम इस पे काम करेंगे। बोले कहाँ बोल रहे हैं? आप लोग भी बात कर लीजिएगा, वो कभी नहीं बोल सकते कि बोकारो स्टील वर्कर यूनियन अब हमारा है और हम इस पे काम करेंगे। लाइव इंडिया हरपल के लिए बोकारो से दिनेश पांडे की रिपोर्ट। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें लाइव इंडिया हरपल और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।